जय श्री वसति और भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रियाद्वैत गदाधर श्री वसति गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौरभक्त वृंद जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपियन जय गिरिवर जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जय जसोदा जीवन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय
देखो जैसे कृष्ण जब जन्म हुए ना इसलिए उनका नाम क्राइस्ट है ना, जैसे कृष्ण का नाम कृष्णा इसलिए कहीं कहीं ब्रज में कृष्ण कृष्ण कहते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो जिसु कृष्ण है जैसे इसमें कृष्ण का नाम है, जिसे कृष्ण है कृष्ण उसमें नाम है। इसलिए जैसे कृष्ण जब जन्म हुए उसका दूसरे दिन नंद महोत्सव होता है, आपको पता है कि नहीं। इसलिए कल जैसे जीसु कृष्ण ने कल जन्म लिया था ना, आज लोग बड़े धूमधाम से कुछ मनाते होंगे, लेकिन आज हम लोग जो मनाते हैं जैसे भगवान की कीर्तन के द्वारा हम सब कुछ मना रहे हैं। समझो हम लोग का जो आज जो उत्सव मनाते होंगे कोई कोई, लेकिन हम लोग जो मना रहे हैं समझो ये सही मना रहे हैं। इसलिए आज हम कीर्तन गाते हैं जैसे कृष्ण का जन्म उत्सव में, जैसे जन्मोत्सव की बधाई गाते हैं, हमको बधाई गा लेते हैं, ठीक है। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो गोपियों से पड़ गया अब पाला,
जलेबी पूरे लाडू पुआ Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Rasi Kamukamani, Jai Gopika. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Rasi Kamukamani, Jai Gopika. Radhe Radhe Shyam Shyam,
Today is the disappearance day. You understand disappearance? One very prominent acharya, with whose mercy we all are today chanting this bhajans. We are chanting holy name. Jinki kripa se hum log naam jap kar rahe hain, diksha prapt kiye hain. जिनकी कृपा से सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ है, जिनकी कृपा से सारे विश्व में सेंटर्स स्थापित हुए हैं, जिनकी कृपा से आज विश्व के कोने कोने में सभी भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम जान रहे हैं, उनकी शिक्षा को समझ रहे हैं, जिनकी कृपा से आज सब लोग हाथ उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके नाच रहे हैं, उनका नाम क्या है बता सकते हैं बच्चे? क्या नाम है? हाँ, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, द फाउंडर ऑफ गौड़िया मठ. नॉट ओनली फाउंडर ऑफ वन sect of society, but the founder of entire Krishna consciousness societies, the bona fide Krishna consciousness society around the world. ISKCON is a part of Gaudiya Math. So, the founder of even of ISKCON and the founder of even Gaudiya Math, the founder, the guru of Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, who is very much known in the whole world, very much renowned in the whole world as Prabhupada. So his father, means his Gurudev, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, today on this day, he accomplished such big task of changing the behavior, changing the consciousness, changing the course of pure bhakti, describing so much details of Sri Chaitanya Mahaprabhu and how to ultimately achieve the goal of human life, which we were discussing from a few days. How to achieve that goal? For that we need very strong practice. उसको प्राप्त करने के लिए हमको साधन करने की आवश्यकता है. वो साधन क्या है, वो साधन कैसे किया जाएगा और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, ये सब हमको इस सिखाने वाले, बतलाने वाले और स्वयं आचरण करके जगत को सिखाने वाले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रिसमस मनाने नहीं आए क्रिसमस मनाने नहीं आए यहाँ पर हम, आप हमारे जो बहुत बड़े एक गुरु वर्ग हैं, आप सब लोग जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है. उनकी आज तिरोभाव तिथि है. आज के दिन वो इस संसार से गए और वहां जाकर राधा कृष्ण की सेवा करने आए. इसलिए जब भी ऐसी कोई तिथि होती है, क्योंकि मैं आप सबको बहुत कुछ सिखाता हूँ,
तो उसमें एक ये भी चीज है कि जब भी किसी बहुत बड़े आचार्य की तिरोभाव तिथि होती है तो हम लोग एक भजन गाते हैं। कौन सा भजन गाते हैं बता सकते हैं? जे अनिलो प्रेम धन करुणा परसु। आप लोग अपने फोन पर और अपने बुक्स पर ये भजन निकाल लो। हम श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को स्मरण करते हुए और मन में हृदय में ये भावना रखते हुए कि वो जहाँ पर भी हैं अपनी कृपा हम पर बरसाएं। हम लोग साधनहीन हैं, साधनहीन समझते हैं, वी आर वेरी लूज इन प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी वॉन्ट टू बिकम गुड बट वॉट टू डू, अवर माइंड इज सो फुलिश and mind is always trying to enjoy. Our intelligence is not even working with us. Our senses are always cheating us. What is our, who is our support? Only the mercy of acharyas, the mercy of great personalities like Srila Prabhupada. So when we are singing this, we are praying to him, please be merciful on us. Theek hai, we'll sing this bhajan. Mara kabhi gaye we mridang baja rahe ho ab bolna je anilo prema dhana करुणा प्रचो। सी दिस सॉन्ग इज इन अ वेरी पैथेटिक मेलोडी, या इट्स इन अ वेरी पैथेटिक मेलोडी। इफ यू साइमल्टेनियसली रीड द ट्रांसलेशन यू विल सी हाउ दिस आचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर विद सो मच हार्ट मेल्टेड एंड टीयर्स इन हिज आईज ही इज बेगिंग फॉर द एसोसिएशन and all those who are providing him association, he is feeling separation. So this mode singing is in a mode of separation and apathy. Je anilo prema dhana karuna prajo प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर है ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर जे आनिलो प्रेमा Oh,
Sangha, 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 Sangha
Very auspicious day. Auspicious for what? Shubh din kyun hai? Kyunki jis prakar ekadashi tithi ko kaha jata hai madhav tithi bhakti janani, usi prakar aise guru jan, aise acharya ki tithi ko bhi madhav tithi kehna koi galat baat nahi. Ye madhav tithi hai aur ye bhakti janani hai. Inke updeshon ko sunkar इनकी भजन की जो शैली है, किस प्रकार से इन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा की, किस प्रकार से इन्होंने भजन किया, कैसे पूरे जगत में भगवान की भक्ति का प्रचार किया और वहां पर बतलाया प्रभुपाद जी के भजन में अष्टकम में कि वृक्ष भी जो सहनशील है, वृक्ष वृक्ष के अंदर क्या गुण है? सहनशीलता. वो वृक्ष भी प्रभुपाद जी की सहनशीलता को देखकर वे भी शर्मा गए, वो भी लज्जित हो गए. ऐसा व्यक्ति जो इतना दीनहीन और इतना सहनशील, ऐसे महापुरुष प्रभुपाद जी की गुणावली को आज हम लोग सब लोग हम लोग श्रवण और कीर्तन करके उनके चरणों में हम पुष्पांजलि अर्पण करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि हे आचार्य देव, हे प्रभुपाद, आप जहाँ पर भी हैं हम पर अपनी कृपा बरसाइए. हम भजन करके बहुत कुछ सीखकर अपने अपने गुरुदेव की हम सेवा को सुष्ठु रूप से करते हुए महाप्रभु के चरणों में और राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकें. इसी उद्देश्य से हम आज प्रभुपाद जी के कुछ गुण महिमा को श्रवण करेंगे. हमारे बीच में कुछ वक्ता हैं, वे बोलेंगे. मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे. सर्वप्रथम मैं हमारे श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु ये प्रभुपाद जी की कुछ महिमा का गान करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय लेंगे. और देन आफ्टर हिम आई लाइक टू इनवाइट माधव प्रभु टू से समथिंग. शशिकला ओम ज्ञानति मिरंधश्याम ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदास्य कृष्णाय कृष्णाय तद्भुताय नमो नमः. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्भ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Guru Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So first of all, I'm paying my unlimited undivots to Pranam, to the Divine Lotus Feet of my beloved Siksha Gurudeva, Nichalila Vishnupa, Patita Pavan Sila, Gorgina Maharaj, and also to the Divine Lotus Feet of my beloved Diksha Gurudeva, Om Vishnupada Sotra Sata Srimad Bhaktivedanta Ban Maharaj, and also to the Divine Lotus Feet of my two Siksha Gurudeva, Om Vishnupada Sotra Sata Srimad Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj, and Om Vishnupada Sotra Sata Srimad Bhaktivedanta Sridhar Maharaj, who are mercifully present here, and to the Divine Lotus Feet of Nichalila Paramahamsa Bhikacharya, Sotra Sata Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. To all the Gurus in our Rupanuga Guru Land, to all the Vaishnavas, Vaishnavas, and also to all the respected guests, my Pandavas Pradhan. So, as Maharaj just mentioned, that we are today celebrating a very auspicious day. A day most of the people celebrate as Christmas Eve, where Jesus Christ has given the Bible and teaches us actually the basic of our Vedic culture. For those who are was willing to digest that part. But this religion was just some basic teachings, how to live a human life. When we go further in this religion, what is religion? To get our sambandha, our relationship with God. That is what the basic teaching of religion is. But where to find the Lord Himself? Where does He appear in such a way that He is revealing all His dealings as He is? That part is very difficult to find. Actually, if you go search under the name of Sanatan term, you will also get lost in all the philosophical truths and maybe untruths. So that's why the Lord arranged that the dear devotees of Him who is directly a Nitya Siddha associate with Him, He is sending them on this earth planet. And by this Guru Parampara, we are getting some knowledge, some realization, who and where to find the Lord. This Gaudiya Madhva Sampradaya is actually very high class Sampradaya, where all the truths, what was actually hidden in the past, was revealed. Anarpita charincharit karuna vitaru kalo sumarpayitum una jalarasa svabhakti shriyam. After very long, long time, Mahaprabhu came. And by causeless mercy, He revealed the highest truth, the highest stage of love, what is very deep. Only the close associate of Mahaprabhu could understand what He was actually revealing. And by this, He gave all his associate the instruction to distribute this very high truth, how to serve the Lord, in which way, in which bhavana. So in this Guru Parampara, many qualified, exalted Mahabhagavats came. And by this Guru Parampara, everything is revealed. So one of the
prominent acharya is our Jagat Guru. He seems as Jagat Guru is. He is one of the prominent acharya. Not that every order was not prominent, but still, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada was a very important acharya in our line. By his mercy, we are now actually having this association of Vaishnava, because we all give the credit to Swami Maharaj that he came in the West. But actually that was due to the instruction of Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada. He gave the instruction to Swami Prabhupada, Swami Maharaj, to come. And by this he actually also followed the instruction of his father, Srila Bhaktivinoda Thakur. So there are different, many leelas he performed, and our Vaishnavas are very specialized in all the all these leelas. But we have to understand one thing, that there is nothing beneficial to hear the Harikatha of the Vaishnava. Shreya Matya Kona Shreya Jivarhaya Sara. Mahaprabhu Astu Ramananda Rai. Krishna Bhakta Sangha Bina Shreya. Nahiyar. That what is the most beneficial for a Jiva Atma to get relieved from this material world? Ramananda Rai said, without the association of Vaishnavas, Krishna Bhaktas, there is nothing beneficial than this. So the association of the Vaishnavas is very essential. And due to the mercy of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, we are getting this association. He did so much for our contribution, for the contribution of this parampara. 64 temples he established in India. But his desire was more than that. He couldn't finish his father's desire. So that's why he took very exalted disciples. Like one of them is what I said, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. But there are many, many other Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Sirup Siddhanti Maharaj. So there are many, many qualified Vaishnava, high class Vaishnavas, very learned scholars. And from this Madhya, this Vaishnavas, yes, he distributed the Vaishnava Gaudiya philosophy to the world. And every corner now, in every world, every city, this Harikatha is preached now by his mercy. So you can imagine what was the contribution of this Mahabhagavat. We cannot imagine actually. Little what we understand is actually so great actually, that bit of drop what we understand is already such a great effort and so much effect in our life. And if you enter in the deep philosophy, we will see what is hidden, what kind of jewel, what kind of chintamani is hidden there. But how to get this chintamani? How to get this most highest truth, Siddhanta, and try to enter in this realm is by hearing Harikatha from the Vaishnavas. So that's why I'm very happy that you all came today, although most of the people are occupied with family Christmas celebration. Yesterday I went from my home and I was picking up Maharaj because he had an appointment somewhere. And I'm living in a center of one complex. And I was watching what everyone was doing. And actually, if you realize and you see what kind of darshan you get,
you, Bishat, and everyone was actually very happy. You know, they were eating everything, what you saw on the table and everything. And I saw. But you know, afterwards, when the evening, when I came back, everyone was happy, but when they came back, everyone was like, oh, so, you know, you saw, no, you saw that, actually, they were so happy, but then they were very sad, actually. They were sitting on the couch, thinking about his life, you know, because that is the big moment, you know, Christmas. But then Christmas is over, and then they are sitting and watching each other, what to do now. No goal of life. I love you, I leave you, I kill you. Yes, that is true. Yes. But we are, you know, if you enter in this Vaishnava society, there are so many glories, so many bhavanas are there to realize. And we can become really, really happy in this Vaishnava Siddhanta if we enter this. We cannot imagine actually what we have got, what kind of jewel we have got in our hands. When we can become one day very serious, then we will have very gratitude and appreciation, I think, for what all the Vaishnavas are giving us, especially on this kind of days. And that's why I want to ask my Siksha Gurus to say something. What we can become, so we can become purified by the words. Yes, yes, yes. And I thank you. Sasikala, 5 minutes. हम लोग तो रोज बोलेंगे, हम तो बोलते रहते हैं. आतो, आतो, बोलो, 5 minutes बोलो, आजा. ज्ञानति मरंदशे ज्ञान ज्ञानसलकाय चक्षुर्नितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वंश First of all, I want to pay my heartly obeisances to my spiritual master, Nichalila Prabhupada Omishnu Pada Srila Gorvinda Maharaj. Also, the same to Nichalila Prabhupada Omishnu Pada Srila Narayan Goswami Maharaj, to all our Guru Vargas, to all assembled sannyasis who are present here. They are our beloved Siksha Gurus. Sri Bhakti Vedanta Sridhar Maharaj and Bhakti Vedanta Siddhanti Maharaj, they are both present here. And we are here to hear from them, and today is a very important day. I will just speak something, but we are here to hear their Harikatha. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, why he came here to preach about his Prabhu. Who is Prabhu? His Prabhu is Radha Krishna conjugal, Mahaprabhu, Gornitai, about his Prabhu. He was preaching about their glories. And we are very fortunate, actually, that 500 years ago, Chaitanya Mahaprabhu came here on Earth, and then after that, our Guru Parampara, who are in their line, they came. So, like Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, his father was Bhakti Vinod Thakur, and his father is Kamala Manjari in the spiritual world. And Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, his name Manjari, like Radharani's eyes are very dear to him. And because Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada is very dear to Radharani, just as her eyes are dear to her. So you can imagine, we are not so far from the fire, actually, from Mahaprabhu. So not so far, not so long ago he came. And then this whole Guru Parampara is coming. And like Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, when he came, he didn't came alone. He came with his associates, intimate associates. And all his associates were very powerful, like lion acharyas, especially Bhakti Pragyan Keshu Goswami Maharaj.
like he was not afraid to give up his own life for the service of his Gurudev. Like one time during Navadvip Parikram, Parikram was going on, and there were also so many people who were against the preaching of the mission of our Guru Parampara. And what happened, they tried to attack Bhaktisanta Saraswati Prabhupada. But what happened, our Guru, Param Gurudev, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he protected his Guru. What he did, he was wearing at that time white clothes. And Bhakti Siddhanta Saraswati, he was wearing his sannyas clothes. So he wanted to bring him to a safe place because so many people came there who were so much against and were attacking with stones and so many things. So what he did is he was not afraid of his own life, and he changed the clothes. He brought Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada to a safe place, and he changed his clothes. He was wearing before white clothes, so he was wearing then sannyas clothes, and he gave his clothes to Bhaktisiddhanta Saraswati, right clothes, so that no one could do any harm to him. But anyhow, that was a lila, and no one can do actually harm to Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, but this is a lila which was going on to show that even though so many people were against, but he was not afraid of his own life. He was going forward, Parikram was going on, and without any disturbance, he was going on with his with the mission. He was carried on. And Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, when he took birth, actually, he was not just an ordinary child. When he took birth, so many signs was in his body, like signs of his Kantimala and Tilak, so many things were on his body already. Bhaktivinoda Thakur, actually, he gave also some gifts to us, like he refilled the holy dham, the Navadvip dham, which was actually so many times it was like the Ganga was overflowing, and so many places which was the pastime place of Chaitanya Mahaprabhu were lost. And then he refilled all the hidden places. So that gift he gave, and also a precious gift, that was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Actually, he was the first sannyasis who had a desire that all the missions, all the teaching would go to all the corners of the whole world, so that everyone could be and everyone could get enter into this mission of Chaitanya Mahaprabhu, the precious message which Chaitanya Mahaprabhu came to give, so that it would go through whole world, each corner, into all our heart. It could enter in our hearts. And you know, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada is so merciful. He has long arms. And one of his arms also are these sannyasis here who are present, because his mercy is so much, so great, that today, on this special day, he arranged that two sadhus are here, so that when we are hearing their katha, we can go enter into the deep moods and the deep teachings. So we are here to hear from their lotus lips. So I don't want to speak too much here, so we want to hear from them. So, Vanchaka Patru Vasha Kipasin Vilcha Kapitana Kaya Mithu Vaishnavi Hiram Mother, Bola. Om Gyan Timurandasya Gyanam Janasarakaya Chakshurtam Militam Jena Tasmai Sri Gurave Nama Namam Vishnu Padaya Gaur Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namini Divya Gyan Pradateja Prabhaveja Majamani
Gyan Vairagya Dehaya Shastra Siddhanta Samvidhi Patittanam Samudari Yati Vesha Raive Prachar Achar Kareja Jagarukai Sharvada Yatto Ravasya Umarat Bhagavat Archane Rati Vaishnavanam Sarvakriti Akshita Paramatata. First, I'd like to offer my Dandavat Pranams to my Shikshan Diksha Gurudev, Srila Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Acharya, Ashtotra Sarva Shishima, Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. Then I'd like to offer my Pranams and Dandavat Pranams to all my Shiksha Gurus, Srila Govinda Goswami Maharaj, Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, and also Srila Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj, Srila Bhaktivedanta Sridhar Maharaj, and all the assembled senior Vaishnavas from which I can learn how to make progress in my spiritual life. I'm a person that was not realized, and I have very little to say, and I don't want to take the time from the sannyasis, effulgent sannyasis, who can enlighten you with their knowledge and their realizations. So I never personally met in physical appearance Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. So who am I to say something about him? I could only see the dedication that my Srila Gurudev had to follow his instructions, and he took that to his heart and made it his life mission. And in his humility, he was accepting fallen souls like myself to give us connection to our Guru Parampara. And that is the jewel actually of my life, and it is for me to become aware of that all the time, in every moment. Then I can fulfill my desired goal in life. I can say one thing. Like Sisukala mentioned, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada was not an ordinary human being. He was an eternal associate of Mahaprabhu and of Radha Krishna. And his birth was very auspicious. And in Jagannath Puri, on that place, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, as I have heard, he was took birth with his, how do you say, navelstreng in Engels? Umbilical cord around his neck, just like, and that was a very auspicious sign considered by the Brahmins and those who have realized the truth in life. So, and he was considered to according to the astrological calculations, he was seen as a Mahapurush. That is a specially empowered personality who is able to share the most valuable gift that is present in the inner core of the pure Vaishnavas, their heart, the Krishna Prem, and the extended grace of Chaitanya Mahaprabhu and Sisi Radha Krishna, Radha Gopinath. So that was what Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada came to give, as the extended grace of Sriman Mahaprabhu, and is following thereby the instructions of his beloved father, Sat Chitananda Srila Bhakti Vinod Thakur. With 9 children, but Bimal Prasad was the most prominent child in
distributing the message as laid out in the books and teachings of Sat Chit Ananda Srila Bhaktivinoda Thakur. So, yes, that was his mission. And on a certain point, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he took a vow to do secluded bhajan because he felt himself very much unqualified to spread the mission of Mahaprabhu. So he took a vow to chant 1 billion names of Krishna, 1 billion times the Maha Mantra. And so he went in a secluded place and he completed that vow. And in the not long afterwards, he cut the order, of course, of his guru days, Srila Gaugisodas Babaji Maharaj, to spread these teachings around in the world. But after the disappearance of his Gurudev, he was actually Krishna and Guru and all revealed in his dream that he should go to leave his secluded bhajan and start preaching the mission of Chaitanya Mahaprabhu. And but then he in his feeling that in his humility, he asked to the Gaura Parishad who appeared in his dream that his Gurudev, how will I do that if you expect me to do that? So where is my manpower? What can I do? And then his Gurudev actually revealed that, don't worry. I will send you all your manpower, all your men that you need to establish this mission. So the all his disciples, we can understand they are not ordinary personalities. They are all actually internal associates who are very close to the service of Radha and Krishna and Mahaprabhu in both their manifested pastimes. And they came to assist him to broadcast his mission in India. And there they first set up 64 Gaudiya Math with the principal math in Sridhar Mayapur in Abadip, and the root math, the mother math. And from there, all the other Gaudiya Maths start coming. His disciples start preaching all over India and sharing the teachings of their Gurudev. And so yes, today we are here to celebrate and to remember the very special personality, Srila Nityalilaprabhu Om Vishnu Pad Paramahansa Parivraja Kacharya Ashtotara Sati Srishimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Maharaj. And I think I've taken too much time already, and I want to give the time and to the board of the sweet Maharajas. Yeah. Hare Krishna. महाराष्ट्र तीन घंटा बोल देंगे हमारे हमारे लिए कुछ छोड़ेगा डॉक्टर सुबह सुबह अभी आप हाँ सुबह फ्लाइट हाँ दस मिनट भाई नहीं नहीं आप हाफ आवर बोल दो और हाफ आवर हाफ आवर में महाराज हूफ नहीं तरह ना यू डोंट हैव टू रन वो बोला यू डोंट हैव टू रन यू हैव टू फास्ट ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीशिवभक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामनि नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्णे नमः
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhakta Bhagavad Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 English? We were hearing. We were just hearing Mother Prabhu Zach. He said that I'm now having some problem with English. Yesterday, few days back, we were hearing the pastimes of, the Seva Kunj. This question was being asked by Krishna Gopal Prabhu. So what is this here? What's happening? Okay, I'm just trying. Please don't laugh. Huh? This is a kunja, a grove, where Radharani was waiting for Krishna. Krishna knocked the door. Radharani Zach, need mere coma. Krishna Zach, it been gold. Anyway, this pastime of Radha Krishna, pastimes of Mahaprabhu, how we all came to know, as I already described this before. Only by the mercy of this great Mahapurusha, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. There are so many details and very high topic with simple words. Sadharan bhasha mein itne bade acharya ki mahima gaan karna bahut kathin hai. Try and understand. With simple words, it is very difficult to describe the transcendental qualities of this great Acharya. Because now, we all are, many of us here, very new. But when this same topic is being described in Vrindavan, Govardhan, in India, with many sannyasis, if you hear that, it will just going high, very deep. So I was discussing with Maharaj, we will try to speak very simple, some of his life history. Gradually we are learning, but maybe next year, then we will take off for other topics. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Mahaprabhu, he has a prophecy. Prithvi te ache ya nagadi gram sarvat prachar hoi me moranam. Each and every corner of the world, my names will be propagated. Whenever Krishna had any desire, then all his potencies come forward to fulfill all his desire. There are so many potencies of Krishna, but there are 18 prominent potencies of Krishna, Tushti, Pushti, all this. In the same way, Sri Chaitanya Mahaprabhu also have so many potencies to serve him, but when Mahaprabhu had this desire that my names will be propagated in each and every corner, length and breadth of the world, then one of his potency took this order very seriously and he accomplished this. And who is that potency? Namo Bhakti Vinodaya Satchitananda Namane Gaur Shakti Sarupaya Rupanuga Varayate. Gaur Shakti Sarupaya is the embodiment of the potency of Gaur Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Understand? Samajh rahe? Because I'm trying very best to go very simple. So Bhaktivinoda Thakur, he took this order of Mahaprabhu and with his mercy, in his meditation, he discovered the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He propagated the names of Mahaprabhu and the teachings of Mahaprabhu. Gaur Naam, Gaur Dham, Gaur Kaam. All done by Srila Bhaktivinoda Thakur.
many contributions to this world. But one of the very prominent contributions of Srila Bhaktivinoda Thakur to all of us and to the entire world is giving birth to this his son, Bimla Prasad, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Srila Bhaktivinoda Thakur wrote more than 100 books, so many songs. If you read all the song book full of Bhaktivinoda Thakur songs, so much teachings. Everything was there, but who spreaded this? The spreading part was being done by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. In his very young age, he was very much intellectual, super intellectual personality. He has created one language, his own language. Now we have so many languages in the whole world. Krishna knows all the languages. Even he can know the language what birds are speaking. Even Yudhishthir Maharaj, he is a pure devotee of Krishna. He can understand what birds are speaking. It happened in Braj Mandal, other pastime. But Krishna knows the language of even a dog. Sar Vidya Visharad. One of the qualities of Krishna is he knows all the languages. Sarva Bhasha Visharad. Therefore, kya bola tha? Jab class 5 pe the tabhi Bikriti naam ko. Then he was in a class 5. He has discovered a new language. Can you imagine? Class 5 boy discovered new language. But later he realized, who is going to propagate this, preach this, and make people aware of this? Better give up. He gave up this. When he grew up, he was so intellectual, he studied astrology. Then the head of the department of astrology in India, the head of the department, who is the best astrologer? Once upon a time, Srila Prabhupada came to see him. And there was a discussion between him and the head of the department. When he heard the discourses of Srila Prabhupada and his calculation of the planets and the stars, he was sweating. He was literally sweating. He stood up from his chair and vacated that chair and he said, I'm not qualified to sit in this chair if a personality like you is present on this planet Earth. I'm thinking I know so much. That's why I'm the head of the department of the whole country. Her 1.25 billion population. See? But the way you are speaking about astrology, oh, I'm sweating. I cannot sit. Please come and take over this seat. Srila Prabhupada denied. He said, I'm not here in this world to calculate the movement of stars and planets. This is not my purpose to come on this planet. I'm here for something else. I'm not going to sit on this seat. But that person said, even I will also not sit because a person like you present on this planet, how dare I can sit on this seat? So he kept that seat vacant for him. Such high class intellectual. Whole entire Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Vedas, Puranas, Upanishad, Mahabharata, all scriptures were in his mind. When he used to deliver Harikatha, not ordinary audience, but all the scholarly people, when they are sitting, they were just watching his face, what language he is speaking. Even though he is speaking the local language of the people, Bengali, sometimes very high class English, because it was British rule in India. If you read his English, oh, even now Britain people will can't even grasp what he want to say. Therefore his disciples used to say, Srila Prabhupada language is Vaikunth Varta, is the language of Vaikuntha. You don't understand Vaikuntha? Spiritual world is not the language of this world. प्रभुपाद का कोई शिष्य थे वो बहुत अच्छे अंग्रेजी जानते थे लेकिन वो कहते थे जब प्रभुपाद कोई हरिकथा बोलते थे हमारा अंग्रेजी समझ में नहीं आता था हम तो डिक्शनरी खोल कर बैठते थे हमारी डिक्शनरी ढूंढते थे प्रभुपाद क्या बताए कहते कभी कभी डिक्शनरी में भी नहीं मिलता था वो सब कभी कभी
They used to sit with a dictionary to see what he's saying. और बोल रहे थे कभी प्रभुपाद क्लास दे रहे थे अंग्रेजी में और बहुत बड़ा जो खबर कागज देते हैं महाराज क्या न्यूज देते हैं अंग्रेजी में वो एक अंग्रेजी बैठा था कथा सुन रहा था जब प्रभुपाद की कथा फिनिश हो गया वो जोर से ताली बजाए क्लापिंग बोले भैया तुमने क्या समझा जे तुम इतने जोर से ताली बजाए बोले मैं अंग्रेजी वगैरह कुछ भी नहीं समझ गया बोले उनका जो अंग्रेज था कहते मैं अंग्रेजी कुछ भी मैं न्यूज पेपर देने वाला हूँ इतने अच्छे अंग्रेजी लेकिन कुछ भी मेरे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे These are his intellectual qualities. When he used to speak Harikatha, was not ordinary, very high class. And his katha was not to entertain people. He used to say, I'm not here as an entertainer of your mind. I'm here to give you something very important. Varta, the news of Vaikuntha. So that is not simple. And that is not meant for smiling and laughing. Prabhupada said, I'm here to make you cry for Krishna. Mm. The whole world is enjoying. But one who is crying for Krishna is very rare. Very rare. So Mahatma Sudurla, very rare. I'm here to give you. He used to say, I'm here only to give you, not to receive anything from you. So therefore, even though he has built 64 temples, the mutts, centers in India, he said, I never have taken anything from anyone in this world. I only came to give something to this world, not to take something from all of you. Selflessly preaching. So in very brief and very simple words trying to explain. Once upon a time, a king, he invited all the scholars in his palace for discussion on scriptures. So Srila Prabhupada also came there. But all the scholars complained to the king, why you invited him? Because they all were fearful. Because if he starts speaking, then no one will hear them. Because his speech and his intellectual and his selfless motives appeals to everyone's heart. Everyone start objecting and complain to the king. Why he invited you? Why you invited him? If you invited him, then we all are going. The king said, no, no, please don't say like this. It will be very bad name for me. Then they all said, collectively they said, don't give him a chance to speak. Only in that condition we will stay here. Finally, king said, okay. So first day, discussions happened in his palace, in his assembly. Prabhupada was not given a single chance. Second day, discussion happened. Prabhupada was not given a chance. Third day the discussion happened, no chance, and he was just listening and hearing. The servant of the king was bringing prasadam in each and every quarters for all the scholars, reputed, renowned scholars. And he was also bringing for Srila Prabhupada. But Prabhupada was not even taken a single grain for 3 days. Not a single grain. The plate is coming on his table and after a few minutes the servant is taking back the same plate, but he was even scared and not even asking, what is the matter, you are not eating. He's not eating. 3-4 days continuously at a stretch, Prabhupada was only drinking water in just one tulsi leaf to honor the prasad, that's all. Then one day the servant, he took some courage. And he said, Mahatma, oh holy saint, can I ask you a question if you don't mind? He said, yes. Every day I'm bringing prasadam for you, but you're not even taking a single grain, a rice from there. May I know why? Srila Prabhupada said, he smiled. I have come here to give something to everyone, not to take anything from the king. If I'm not giving
given a chance to speak, then why I'm here? Because I'm here to give, not to receive. I'm not able to serve anyone, so therefore I'm not even qualified to take or eat anything from here. That's why I cannot eat anything. I'm sorry. The servant was in tears. I've never seen a sadhu like this in my life. We're only coming to give something. And finally the servant told to the king. He said, Maharaj, amongst all the scholars, there is one scholar. He is very sadhu pravritti, very holy nature. He has not eaten anything since 4 days. Only tulasi leaf and water. And you know why? Because you are not giving him a chance and opportunity to speak anything. Only because of this. Therefore, my request is, please give him a chance. Otherwise, it doesn't look nice. He's starving. Now king is in dilemma, what to do? Scholars are against. And whereas he is also getting offended. So then the next day, king thought, I will give him a chance. In the midst of everyone, the king said, so now, Bhakti Siddhanta Saraswati, he will speak only 5 minutes. He will speak but only 5 minutes. Whereas all other scholars were given hours and hours to express their mood, to express their speech, to express their feeling. But Prabhupada restricted only 5 minutes. How so much partiality? Then Prabhupada said, he began, Prithvite Atna, Brahmand Bharmite Kaun Bhagyavan Jeev, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. After wandering in million of lifetimes in so many universes, one get a rare opportunity to come across a bona fide guru. Just the moment Prabhupada said like this, all scholars said, okay, enough, 5 minutes over, finish. Because they all knew what he's going to start now. He's going to start the qualification of a bona fide spiritual master, and you all are bogus. This is what he wants to express there. You are here to cheat people. Because you are not qualified to be guru, because you don't perform any sadhana, any worship. You are only here to cheat. Guruva bhuva santi shishya vitapaharaka sudurlab sadguru devi shishya santapaharaka. Mahadev telling Parvati, there are so many gurus who only want to take money from the disciple. That's why they make disciple. But sudurlab sadguru devi, singular tense, that guru is very rare, who is there only to speak the truth and take the all miseries of the disciple. Now disciple might thinking, my misery is I am not getting good job, my worry is I am not earning good money, my worry is my children are not studying, my worry is I am not getting married. Is this is a worry for the guru to take over? No. Not this. To dissipate the darkness. To give a light of knowledge. What is darkness? This is all these are designations are darkness. Try to understand. Guru is, in the language of Srila Prabhupada, very kathor, very strict language. Guru is not to facilitate your and fulfill your material desires. This is not the function and importance of Guru. The role of Guru is to give you spirituality, spiritual knowledge, Harinam, Shiksha. He's not here to facilitate you or to entertain you. That's why many people did not like Prabhupada's speech because he was very strong. Completely, this is Bhagavad Dharma. This is Bhagavad Dharma. He's not there to facilitate your material desires, but to facilitate your all spiritual desires.
If you come to spiritual desire to Guru, he is ready to spend his whole energy and he is giving energy to you. What we are giving to Gurudev? Only bad things. Lust, anger, greed, envious. And in return, Gurudev is giving us pure things. Do ever Gurudev giving you lust or greed? No. He is always there to give you Shiksha, teaching of Mahaprabhu. Hari Katha, Hari Naam, Diksha Mantra. These all things are from spiritual world, nothing of this material world. If he gives you some gift, it is prasad. So Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he was very strict. No one can cross his statements. There is no scope, no room to even cross any of his statement because it was totally backed by scriptures, injunctions. Every speech, every word coming out from his mouth is backed by scriptures. So there was no one who can even overrule this or cut this. This kind of personality he was. He spoke 5 minutes and all scholars said, sit down. Enough, enough, 5 minutes over. Because they knew if he's going to start the explaining the description of the bona fide guru, then everyone will be shaking. He was only given 5 minutes. He felt very bad. He came back to his room and started pack his luggage, want to leave. Because I'm here to give something, not to receive something. The servant who was offering prasadam to each and every scholar, he was in tears and he said, I've never seen a sadhu like you in my life. I've never seen. I'm serving everyone, but what they are doing in their rooms? I'm seeing them whole day and night. They're reading newspaper, they're making jokes, they're wasting all the time in laughing and joking and never saw anyone even chanting. I never saw anyone even reading any scripture. But whenever I come in your room, in your quarter, I see whole day you are chanting, whole day. You're not even wasting a single second. And even you're not sleeping, I'm observing this. So Maharaj, you're leaving us. It is so much painful and sad. But what I can do, I'm a servant. Srila Prabhupada left that place. Selfless. Otherwise, he could have shown his intellectual, his scriptures, his speech, can impress anyone, and even the king, and can get so much donation from him. But Prabhupada said, I'm not here for this purpose. My speech is bitter, but bitter is just like a medicine. This was the teaching of Prabhupada, very strict. I'm not here to facilitate my disciples. So all the disciples of Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur were also very high-class scholars. High-class scholars. Even the Grastha disciples. There was one Grastha disciple, Madan Mohan Prabhu. Madan Mohan Prabhu. I have seen him in Calcutta. He is chanting, his Grastha, family member. He is chanting holy name, but more than holy name, he is chanting Prabhupada. He was so much in love with his Gurudev. And day and night he is chanting, Prabhupada, 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 Prabhupada. When we were very young, we came to our Guru Maharaj. He used to come and see our Guru Maharaj. And we were sitting next to him to hear something from him. He has no other information or speech rather than Prabhupada. Every time Prabhupada. Srila Bhakti Vedanta Sridhar Maharaji also witnessed, even I am also, we have seen some of the disciples, not all, but some of the disciples of Bhakti Siddhanta Prabhupada. If you sit in with them, you will always hear the glorification of his Guru Maharaj. Every time on their speech is glories of Prabhupada, glories of Prabhupada, glories of Prabhupada. So this Madan Mohan Prabhu, he is Grastha. And he was retired when we used to speak to him. And every time he is glorifying his Gurudev. That my Gurudev never facilitate me with material things, even though I was a householder. Never that, oh, I will take care of your daughter marriage. I will take care of your business. I will take care of your... No. This is not the work of Guru.
He's not there for this purpose. And we don't have to make him servant. We have to make him our master. So whatever I'm speaking today is all words of Prabhupada. We are trying to make Guru, our Guru, as our servant. Gurudev, please help me with material things. He's not our servant. He's our master. Don't try to make Guru as servant. Try to make him as master. We are your servant, Gurudev. We are your servant. Not one birth, birth after birth. Birth after birth, we want to be with you. To serve you. Because only from you, we can get spiritual information and spiritual realization and spiritual destination. There is no one in the whole world, even my own parents are not as dear to me as you are. Because you are facilitating with me to spiritual world. You're connecting me to the spiritual world. And none of my friend or relative can connect me to spiritual world. Only you. Krishna se tomar, Krishna dite paro, tomar shakati ache. Amito kangal, Krishna Krishna boli dhai, dhai tava pacha. Who can give Krishna? Anyone in this world, as dear to us, friend, relative, anyone can give us anything in this world. But they cannot give one thing. What is that? Krishna. Only Guru and Vaishnava can give Krishna, nobody else. It is our choice now. We want spiritual life, we want Krishna in our life, or we want this sansar. And many people have enjoyed this samsara. They are never happy. Never happy. Samsara dava navanida loka. This is like a forest fire. Never can extinguish. But when Guru comes in the life, try to take Guru seriously in your life. He's not there here for your material things. He's here to give you spiritual things. When the day we will keep this mood, then we understand the glories of Guru. Otherwise, the faith is shaking. Shaking. Maharaj is also witness, I am also witness. From 20-25 years, so many people come, go. Why? Shaking. The boat is shaking. Why? Because boat was very light. Little wind came, boat is shaking, bus, finish. When the boat is heavy, no matter how strong, heavy the storm is, fix. Hari name nauka khani, Shri Guru Kandari. Shri Guru Kandari. Gurudev is captain. Captain. So therefore, this is the words of Prabhupada. Can you imagine? I'm not saying this. I'm just repeating his words. This way, he was cutting the knots of the heart of the people in the masses. So I was speaking about this Prabhu, Madan Mohan Prabhu. Once upon a time, he was haunted by a ghost. A ghost was, in the night time, strangling his neck. And because he is always chanting Prabhupada, 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 it was practice. And he chanting Prabhupada, Prabhupada, and ghost eventually left him. Just by hearing the name of Prabhupada. There is also one disciple of Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, I forgot his name, unfortunately. But because he did something wrong, he went to Yamaraj, Yamaloka. This is true story. He went to Yamaloka, Yamaraj. He got initiation, he served Prabhupada, but later on he got, you know, asasanga, bad association, some sinful activities. अभी घर का पत्नी मैं नहीं, अभी पत्नी विरोध है भक्ति में, अभी धीरे 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 उन्होंने नन वेजिटेरियन होने लग गए,
और उन्होंने भक्ति भक्ति भजन भजन उन्होंने सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया पत्नी के वजह से। हाँ, इसलिए पत्नी पर ध्यान रहनी चाहिए। नाम है पत्नी, पत्नी मतलब क्या, पति को जो हर समय भक्ति में मदद करे, भोग में नहीं, उसके पति को जो भक्ति में मदद करे, पति को पतन से जो बचाए, पति को जो पतन से बचाए वो पत्नी है। अभी धीरे धीरे हो गए भोगी, भजन भजन सब छूट गया, सब छूट करके उन्होंने पूरा भजन भजन नन वेजिटेरियन बन गए। जब बन गए, जब उनको मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने पर उनको जमदूत उनको लेकर के चले गए, और यहाँ पर उनका डेड बॉडी था, अभी लोग तैयार कर रहे हैं उनको क्रेमेटेरियन स्मशान में ले जाए। इतने में जब उनको जमपुरी में गए, इतने जम महाराज चिल्ला उठे, बोले तुम किसको लेकर के आए हो, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का शिष्य है ना, वो जो चित्रगुप्त ना, हाँ चित्रगुप्त, वो जो चित्रगुप्त वो बताए कि ये जीवन में एक बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने दीक्षा लिया। बोले किन से दीक्षा लिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज बोले। हाँ, इसको बाद में बोले हम इसको दंड नहीं दे सकते, उसको फिर उसको वापस दे करके आओ, हाँ उसको वापस दे करके आओ। इतने में इधर तो शरीर छूट गया, अभी इधर शरीर छूट गया, उसको ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 4-5 घंटा बाद में फिर उसने खड़े हो गया, जग उठा, जग करके बोले मेरे माला कहाँ है, मेरी माला कहाँ है, मेरी माला कहाँ है, क्योंकि पहले भजन करते थे लेकिन पत्नी की चक्कर में पड़ करके उन्होंने भजन भजन छोड़ दिए, छोड़ दिए, तो बोले मेरी माला कहाँ है। फिर उन्होंने उनको पत्नी ने सही सही बताए जी हाँ, पहले ये भजन करता था लेकिन मैं भक्ति नहीं करती थी, इसलिए मेरी वजह से इनके पतन हो गए, मेरी वजह से उनको पतन हो गए, पहले ये भजन करते थे, इसलिए बाद में फिर भक्ति दे। तो माधव गोस्वामी महाराज के पास में स्वप्न आए, बोले उनको पहले प्रभुपाद जी हरिनाम लिए थे, दीक्षा लिए थे, फिर भक्ति दे। तो श्री माधव गोस्वामी महाराज से उन्होंने पुनः उन्होंने स्वप्न दे करके, प्रभुपाद ने स्वप्न दिया इनको दीक्षा मंत्र दो, फिर उन्होंने दीक्षा मंत्र 2 बार प्राप्त करके फिर भजन करते 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 उन्होंने फिर भगवत प्राप्ति की। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद का अगर एक बार कोई प्रभुपाद का शरण में अगर कोई आ गया ना, कभी भी वो नरक जाकर कभी वो नरक से भी वो वापस आ जाते हैं। अगर हमने सचमुच से सदगुरु का चरण आश्रय किया, सदगुरु का उपदेश से अगर प्रभु का भक्ति सही करेंगे ना, फिर तो हमें नरक में भी, अगर नरक किसी कारण से चले जाएंगे तो वहां पर वापस आ जाते हैं। इसलिए गुरुदेव से जो हमने हरिनाम लिया है इसको साधारण मत समझो, हैं, इसको साधारण मत समझो, कंटिन्यू। इसलिए प्रभुपाद अंतिम समय में प्रभुपाद का उपदेश है, प्रभुपाद जाने से पहले भक्त लोगों को उपदेश दे रहे हैं, बोले सत्य लांछना, सत्य गंजना, सत्य अपमान सुन करके भी हरी भजन नहीं छोड़ना, हाँ हरी भजन नहीं छोड़ना। ये जगत एक अद्भुत जगत है, कोई अगर सिगरेट फूंक रहा है, शराब पी रहे हैं, जुआ खेलता है, गंदा काम करता है, देखना कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन साथ तिलक लगा दो, गले में थोड़ा कंठी बांध लो और थोड़ी सी वेजिटेरियन बन जाओ, बोलिए कौन सा धर्म है जिसमें वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, फिर तिलक लगाना पड़ेगा, गले में कंठी माला ये सब लगाना पड़ेगा, देखना गांव के एक कुत्ता तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा, सब तुम्हारे पीछे बढ़ जाएंगे, सब दुनिया पीछे बढ़ जाएंगे। इसलिए भक्ति जगत में प्रभुपाद बोलते थे, कहते सत्यम सतने न विघ्नानानि, अगर सच बोलो ना उसमें 100 विघ्न है, अगर तपस्या करे बोले उसे 1000 विघ्न है, बोले विघ्न अजुतेन गोविंद। अगर कोई गोविंद की भक्ति करते हैं, भगवान राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, प्रति स्टेप स्टेप में आप देख लेना, आप लोग जो भजन कर रहे हो देखना, जो भजन किया परिवार से विरोध हो गया, बोले कौन सा अभी क्रिसमस बना रहे हैं, अभी आकर हरे कृष्ण में बैठे हुए हैं, सबके सारे दुनिया पी रहे, मदिरा पी रहे, हम लोग घर में पार्टी मना रहे हैं, हमारे लोग वहाँ प्रभुपाद प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए सबके सब हरे कृष्ण हो गए, सबके सब हरे कृष्ण, देखना सबके सब विरोध हो गए, सब परिवार जब हरि नाम लिया, भक्ति लिए, तिलक लगा, देखना पूरा परिवार विरोध हो गए आपकी। इसलिए प्रभुपाद अंतिम समय में प्रभुपाद कहते हैं, जितने बाधा विपत्ति आने पर भी, जितने अपमान सुनने पर भी, जितने कष्ट आने पर भी, भले ही दुनिया तुम्हारी छूट जाए, एक दिन ये दुनिया छूटेगा ही तुमको, ये दुनिया तुम्हारी
छूटेगा ये दुनिया बड़ा अद्भुत जीवन है। बोलेंगे आप कैसे हो? बोले जब जेब में पैसा हो। बोलेंगे आप कैसे हो? बोले तब जब तक तुम्हारी जेब में पैसा हो। पैसा गए आप नहीं तुम कौन हो? तुम कौन हो? हु आर यू? हु आर यू? जब पैसा गया हाउ आर यू इफ यूर पॉकेट मनी ना इफ मनी इज द गन इसलिए जगत बड़ा विचित्र जगत है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हर समय भजन नहीं छोड़ना, हरि नाम नहीं छोड़ना, भक्तों का संग नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए इन दिस वे श्रील प्रभुपाद सच हाई इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बट वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज इन नवदीप धाम एंड ही सॉ अ ग्रेट पर्सनालिटी very renounced personality, skinny, hairs, tears flowing from his eyes, his whole body was smeared with the dust of Navdeep Dham and he was walking. He was not even understanding who is seeing him, who is not seeing him and he was just chanting, Kothai go prema mai radhe radhe. कोथाए गो प्रेमा मई राधे 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 गो जय राधे राधे कोथाए गो प्रेमा मई राधे राधे तुम्हार कंगल तुम्हार डाके राधे राधे देखा दिया प्राण रखो राधे राधे कोथाए गो प्रेमा मई राधे राधे छप्पन दंड रात्रि दिने जाने न राधा गोविंद दिने और चार दंड सुई थाके सपने न राधा गोविंद देखे राधे राधे वन पर्सनालिटी चैंटिंग राधे राधे एंड ही वाज सिंगिंग दिस भजन मींस दिस इज बंगाली Radharani, where are you? Radharani, where are you? Radharani, where are you? I am your beggar. Please come and give me your darshan. I will die without you. I will die without you. Please, Radharani, come and see, give me darshan. And he was with tears. And he was just moving like this. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he saw this personality, I never saw in my life a person like this with so much ecstatic mood, totally absorbed in Radhe Radhe. I see so many fake sadhus. I never saw a person like him. Prabhupada got attracted. In his heart, he accepted him, his Gurudev, immediately by seeing his mood. And finally, he followed him. And one day, Prabhupada approached him. His name was Shri Gaur Kishore Babaji Maharaj. He said, Maharaj, please give me initiation. I have never seen a person like you in my life. Please give me initiation. You know what he said? You are not qualified. There is a book, Saraswati Jayashri. There Srila Prabhupada is writing his own. Is writing, I was shocked to hear, is there anyone in this world who can speak this verse to me? Can you imagine? He is the one who is the even more than head of the department of astrology, who vacate his seat for him. He is the one who introduced a new language. He is the one whose speech full of all scripture, all the verses in his mind. And today, who is this one who just said you are not qualified? Prabhupada became more attracted. If I say, for example, just example, if I say anyone, you are not qualified for my disciple, you will never see my face. Huh? What do you think of himself? He is not qualified. Better, there are so many in the market. I'll choose somebody else. This is not attachment. This is not love. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he heard this. And he became more convinced, he's the one who told me this. I better come to him and take initiation from him. Again, next day he approached, Maharaj, please bless me with initiation. Please bless me.
Then Gaurakishore Babaji Maharaj said, don't disturb me. Okay, I will ask Mahaprabhu today. Tomorrow I will let you know, I will ask Mahaprabhu if I want to give you this decision or not. Can any ordinary person speak these words? I will ask Mahaprabhu. What does this mean? In absorption, he said like this. This means he has connection with Mahaprabhu directly. Next day, Prabhupada again came. Did you ask Mahaprabhu? Oh, I forgot today. Today I will ask. Come tomorrow. Yeah. And then finally, one day, Babaji Maharaj said, I don't make disciples. Go wherever you want to go. And he also took this vow. I will take initiation only from you. No matter what happens. And both are stubborn. Babaji Maharaj said, I never make disciple in my life. And he said, I will make you to make me your disciple. So Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he started performing Chandrayan Vrata. What is Chandrayan Vrata? We see full moon. On full moon day, complete one meal. Then as the moon is waxing, the giving up food. Such strong austerity is performed. He gave up eating and drinking, everything. He became very skinny in few days. Then his father, Srila Bhaktivinoda Thakur, he came to Gaurakishore Babaji Maharaj and told, this boy, he will die like this. Why don't you bless him with initiation? Please bless him. I request you. Then Babaji Maharaj said, if you are saying, then I will give this. And then finally, Gaurakishore Babaji Maharaj gave initiation to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. He gave him initiation. And under his guidance, he was preaching. He got initiation and doing bhajan. But when we take initiation, we ask Gurudev, what is instruction to me? Gaurakishore Babaji Maharaj gave him instruction. Never ever leave Mayapur and never ever go to Calcutta. This is the place of Kali. You understand place of Kali? Maya. It's the place of Maya. Don't go there. And never make disciple. Never go to place of Maya and never make disciple. This is the instruction. But the very first temple Srila Prabhupada made was in Calcutta. And he made so many disciples. What does this mean? Disobeying Gurudev. Can we even think of this, that Prabhupada can disobey his Gurudev? No. What is the meaning? When his disciple asked Prabhupada, you got instruction from your Gurudev, never go to the place of Maya, you introduce the first center itself in the city Calcutta. Prabhupada said, even though I introduced a center in Calcutta, I am never in Calcutta. I am always in Mayapur. What does this mean? Physical presence is not important. Where is my intelligence? Where is my absorption? That is more important. When Srila Gurudev came to Holland, 1996, he traveled all over the world. What he was doing? He was visiting Holland, America? No. He was establishing Brajmandal, Gaurmandal, Sri Navdeep Dham. He was establishing Vrindavan Govardhan in these cities and in our heart. He came to give this and he's absorbed there. Once upon a time, Gurudev was in the morning, he used to go morning walk. So one day he delayed for 15-20 minutes. And one of his disciples said, Gurudev, why are you delaying? You have to go for morning walk. And Gurudev was so upset to hear this. He said, keep quiet. He was very angry. You do morning walk. I never do morning walk. He said, but I am seeing you. Every day you go out for 1 hour. He said, no. I am doing Govardhan Parikrama every day. In Holland, Govardhan Parikrama? Yes. Seems like he's in beads in his hands and he's moving around to doing morning walk. But no, his absorption is Govardhan. His absorption is Vrindavan. So it is a matter of where your absorption is. A person staying in Vrindavan but always thinking of Holland. There is no use staying in Vrindavan. He's just physically staying. He'll get some benefit, of course. But if anyone in Holland, but always thinking of Govardhan, serving Giriraj,
In his meditation, while chanting Harinam, while doing mantras given by Gurudev, if he is thinking, I am visiting Vrindavan Dham, I am visiting Jamunaji, I am visiting Radha Damodar, I am going Mahaprabhu birthplace. Even by staying here, your absorption is there. This is the purpose of Gurudev, to come, to establish the Braj Mandal, the Holy Dham, everywhere in the world. इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, हाँ प्रभुपाद बोलते थे, मैंने गोलोक वृंदावन को, राधा रानी का निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ पर पृथ्वी में मैंने उतार दिया, निकुंज मंदिर को. इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, ये जो गौड़िया मठ है, ये गौड़िया मठ नहीं, ये राधा रानी की निकुंज महल है. कि जितने हमारे गृहस्थ भक्तों का जो घर नहीं, प्रभुपाद कहते थे जितने गृहस्थ भक्तों का घर है, ये सब के सब श्री राधा रानी की ये निकुंज मंदिर में. क्योंकि निकुंज मंदिर में, गोलोक वृंदावन में जो जो कुछ होता है, प्रभुपाद ने उनने सबके सब गौड़िया मठ में और गृहस्थ भक्त में वही वही चीज़ हो रही है. जैसे गोलोक वृंदावन में सखी और मंजरिया ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, तिलक लगा कर गुरु मंत्र जप करते हैं. उसको बाद में क्या, मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति, जैसे गोलोक वृंदावन में करते हैं, उसी तरह इसी जगत में भी गौड़िया मठ और जो गृहस्थ भक्त है वो लोग भी अपना घर में मंगलारती करते हैं. इसलिए नियम है, घर में रहे नहीं तो वन में रहे, कहीं भी रहे क्या करे, भगवान की भक्ति कर. अपना घर में रोज रोज मंगलारती करनी चाहिए, रोज मंगलारती करनी चाहिए. और रोज तुलसी की परिक्रमा करते समय बोलते ना, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय 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 महावी घाट बंसी भट द्वादश ने हर गौड़िया मठ में इसे कीर्तन ही रखा है. इसलिए सवेरे उठ करके सबको ये काम करनी चाहिए. प्रभुपाद कहते थे ये जो इसी जो दुनिया में जो प्रभुपाद ने जो जो विधान रखा है, यहाँ पर प्रैक्टिस है, यहाँ पर हम सब के सब ट्रेनिंग ले रहे हैं. जो ये ट्रेनिंग के सही सही ट्रेनिंग लेगा क्या होगा, फिर गोलोक वृंदावन आपको फिर वहाँ पर आपको नौकरी लग जाएगी. गोलोक अगर यहाँ पर तुमने ट्रेनिंग में अगर फेल हो गए, फिर वहाँ पर नौकरी कैसे मिलेगा, वहाँ भी फेल है. इसलिए यहाँ पर रोज सवेरे उठ करके जो जो नियम हैं, जैसे महाराज आते हैं ना, कभी आप लोगों को अलग अलग जगह ले करके आपको ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं उसको रोज अपना घर में करनी चाहिए. ऐसे महाराज जी गए और हम भी गए, ऐसे नहीं करनी चाहिए. इसलिए प्रभुपाद कहते थे हमारे जो गृहस्थ भक्तों का घर नहीं, ये सबके सब राधा रानी की ये निकुंज मंदिर है. अगर हम घर में रहते हुए ये ऐसे एक भजन है, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, ये ऐसे एक भजन है जो एक भजन में संपूर्ण रूप में आपका वृंदावन धाम का परिक्रमा हो जाता है. इसलिए रूप गोस्वामी ने बताया, तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी नायद अखिल ईद उपदेश सार. ये उपदेश सार है, जितने सारे उपदेश में बोले तिष्ठन ब्रजे, भजन कहाँ करनी चाहिए, बोले वृंदावन में रह करके भजन करो. बोले भैया अगर सबके सब वृंदावन चले जाएंगे, हीरो कहाँ से आएगा, हीरो के बगैर सब जीरो है, इसलिए हीरो कहाँ से आएगा. बोले घर में रहो, लेकिन रहते हुए क्या करो, मानसिक रूप में वृंदावन में रहो, मानसिक रूप में वृंदावन में रहेगी. बोले मानसिक रूप में रहेगी कैसे,
जब घर में ये सब कीर्तन करेगी, गुरुबाष्टक करेंगे, कीर्तन करेंगे, यद्यपि हम रह रहे हॉलैंड में, लेकिन हॉलैंड नहीं गुरुदेव होलैंड, ये हॉलैंड नहीं, ये श्री होलैंड है, अब वृंदावन में ही निवास होगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, मैंने राधा रानी की जो निकुंज मंदिर है गोलोक वृंदावन का, वो निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ पर उतार दिया, ये गौड़ीय मठ नहीं और मेरे गृहस्थ भक्तों का घर नहीं, ये राधा रानी के श्री निकुंज मंदिर है। इसलिए घर में हमें सारे ये भक्ति का अंग को हमें ठीक ठीक रूप में भक्ति अंगों का हमें जाजना करना पड़ेगा। घर में जैसे नहा धोकर कुछ समय निकालो, ऐसे नहीं 1-2 बजे तक मूवी देखे रात को और किसी तरह से सोए और सवेरे उठे 8-9 बजे किसी तरह से स्नान करके मुंह धो करके खाना खाए और भाग के काम में, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। पति सुबह मंगल आरती करता है, ओ आरती ऐसे करता है, फिर शंख में जल होता है ना, पूरा आरती करके पुजारी लास्ट में जल फेंकता है ना ऐसे, पत्नी सो रही थी, ये पति रोज क्या करता है, आरती पूरी करके शंख जल लेके उसके मुंह पे फेंकता है, उठ जा अब तो। ऐसा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी अभी प्रभुपाद का प्रभुपाद की कथा सुना रहे थे ना, प्रभुपाद की कथा सुना रहे थे, इसलिए श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, हाँ प्रभुपाद कुछ उपदेश दिया है। और एक उपदेश था, मैं जब शरीर छोड़ूंगा मेरे प्यार में रस्सी बांध करके ये पूरा नवद्वीप धाम में घुमाना और घिसट कर घुमाना और उसको गंगा में फेंक देना। अभी जब श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंतर ध्यान हुए, अप्रकट हुए, जितने सहजिया और जितने उल्टा पुल्टा लोगों ने देखा, ये तो सिद्ध बाबा, अगर इनको समाधि अगर कोई कहा दे दे, अगर छोटी सी मंदिर बनाए ना, लोग खूब आएंगे और प्रणाम देंगे, बस उसी प्रणाम से हमारा जीविका निर्वाह होगा। इसलिए जितने सबके सब थे सहजिया बाबा जी, सबके सब इकट्ठे हो गए, बोले गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का आदेश है, मेरे प्यार में रस्सी बांध करके पूरा नवद्वीप धाम में घिसट घिसट कर गंगा में फेंक देना। सब तैयार हुए, अभी प्रभुपाद के पास में खबर पहुंचा, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज शरीर छोड़ दिया। इतने में प्रभुपाद अपना शिष्य लोगों को लेकर के प्रभुपाद आए और वहां पर दोनों में लड़ाई हुआ, कोई कह रहे ये मेरे गुरुदेव, कोई कह रहे ये मेरे गुरुदेव है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा ये किसी ने उन्होंने जीवन में कहीं शिष्य ही नहीं बनाया, केवल इनकी शिष्य में अकेला, अकेला में शिष्य, इनका कोई शिष्य नहीं, ये त्यागी साधु है इसलिए इनका कोई शिष्य नहीं। इतने पुलिस लोग आ गए, बोले आप इसको प्रमाणित तो कैसे करोगे, आप भी अकेले शिष्य, ये कोई शिष्य नहीं, बोले देखो ये त्यागी संत है, ये त्यागी साधु है, इसलिए अगर यहाँ पर जो कह रहे हैं हम सबके सब इनका शिष्य है, अगर कोई व्यक्ति 1 साल के अंदर में कोई स्त्री को साथ में अगर जिसका कोई संबंध नहीं होगा 1 साल के अंदर में वो आ करके ये शरीर को स्पर्श करे, बोले क्यों, बोले इनका जो स्पर्श शरीर है ये दिव्य अप्राकृत इनकी शरीर है, अगर कोई इनकी शरीर को टच करेगा ना जल करके राख बन जाओगे, मर जाओगे। इसको सुन करके ना कुछ बाबा तो अपने आप भाग गए। उसको बाद में बोले अगर 6 महीना अंदर में अगर कोई स्त्री संग नहीं किया हुआ होगा अवैध रूप में वो आकर के स्पर्श करे, सब डर गए पीछे कुछ और कुछ भाग गए। किसने बोला अगर 1 महीना को अंदर में कोई स्त्री संग नहीं किया तो इसको स्पर्श करे और कुछ भाग गए। बोले अगर 15 दिन को अंदर में अगर कोई स्त्री संग नहीं किया स्पर्श करे भाग गए। उन्होंने बोले 7 दिन, बोले अगर लास्ट रात तक, क्योंकि त्यागी साधु है, अगर किसी ने स्त्री का स्मरण तक भी अगर कोई नहीं किया होगा, स्त्री का स्मरण कोई तक नहीं किया होगा 1 दिन पहले वो आकर के शरीर को स्पर्श करे। ऐसे बोलते 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 ना सबके सब एक एक करके सब भाग गए, कोई वहां पर नहीं रहे। इतने में जितने वहां पुलिस अफिसर थे हाँ उनको प्रमाणित कर दिए इनकी कोई शिष्य हो तो केवल यही प्रभुपाद ही शिष्य है। लेकिन कुछ बाबा जी लोगों ने कहा देखो इनकी अंतिम इच्छा थी इनके प्यार में रस्सी बांध करके पूरा नवद्वीप धाम में घिसड़ घिसड़ करके गंगा में फेंक देने के लिए कुछ रस्सी लेकर के आए। तब प्रभुपाद ने बड़े गंभीर स्वर से शेर जैसे बोले मूर्खों महाप्रभु ने क्या सिखा दिया है,
जब से हरिदास ठाकुर अपना शरीर त्याग दिए, महापुरुष स्वयं उन्होंने सम्मान दिया, साधु शरीर को कितने सम्मान करनी चाहिए, स्वयं महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को अपना गोद में उठाया, गोद में उठा करके उन्होंने समुद्र में स्नान कराया। बोले समुद्र पहले तुम केवल तीर्थ था, लेकिन हरिदास ठाकुर अप्रकट हो गए, शरीर छूट गया, कहते इनकी स्पर्श से तीर्थ नहीं तो महा महा तीर्थ तो बन गया, महाप्रभु स्वयं कहते हैं। और यहां तक प्रभुपाद जब महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को जब समाधि दिया है और स्वयं महाप्रभु जा करके आनंद बाजार में जगन्नाथ मंदिर में भिक्षा मांगा, उन्होंने अपना झोली पसार पसार करके भिक्षा मांगी, महाप्रभु सारे भक्तों को लाइन करके बैठाए और अपना हाथों में उन्होंने महाप्रसाद खिलाया। अरे लास्ट में महाप्रभु कहते हैं ये हरिदास ठाकुर का निर्जान में जो इनको साथ में गए, जो रेत जिसने रेत दिया, यहाँ तक भी जो केवल प्रसाद पाया, अचिरात उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। ये महाप्रभु स्वयं अपना वाणी में अपना मुखनिसृत वाणी है, महाप्रभु इतने सम्मान दिया किसको, जो भक्तों का शरीर को, और मूर्ख लोग और तुम लोग कहते हो ये उनका धन्यता था, क्योंकि भक्तों का जो दीनता होता है, त्रिणा दबे सुनिचे ना तररपि सही सुनुना अमानीनांग मान देन कीर्तनीय सदा। ये महाप्रभु भक्तों का त्रिणा दबे सुनिचे, इसलिए बोले मेरे शरीर को घिसड़ देके सर फेंक देना, और तुम लोग ये चीज को यही समझा, मूर्ख लोग। जब उन्होंने पूरा ये बात को ना सबके सब वहां से भाग गए, केवल प्रभुपाद ने ही उनको शरीर को लेकर के प्रभुपाद ने उन्हें समाधि दिया है। इसलिए प्रभुपाद का जो महिमा है अथा महिमा है, रात भर तक बोलो ना इनका जो इतनी कथा, अगर रात भर तक इनकी कथा बोलते रहो प्रभुपाद की कथा कभी समाप्त नहीं होगा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कथा, अभी तो मैं तो 4-5 दिन रुकूंगा, अभी रोज रोज प्रभुपाद की कथा सुनेंगे, ठीक है प्रभुपाद, क्योंकि जो प्रभुपाद है ना कहते हैं राधा रानी की नए नमणि मंजरी है। इसलिए अगर अभी महाराज जी बता रहे थे, अगर ये महापुरुष नहीं आते, हम जो यहाँ बैठे करके थोड़ी बहुत हरि कथा हरि कीर्तन और थोड़ी सी गले में कंठी तिलक धारण करते हुए जो थोड़ी बहुत कोशिश ही कर रहे हैं, ये नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद का वो शिष्य लोग कह रहे थे अगर इसी जगत में प्रभुपाद नहीं आते ये दुनिया भी नहीं रहता। वो कहते थे ये ब्रह्मांड ध्वंस हो जाता है, दुनिया में कोई अभी नहीं रहते, क्योंकि आपको पता होगा हर देश में एटम बम बना कर रखे, एक दूसरे देश को धमकी दे रहा है, एक दूसरे देश को धमकी दे रहा है एटम बम, हम एटम बम छोड़ देंगे, एटम बम एक दिन युद्ध होगा, ऐसे नहीं रखा हुआ है, वो ऐसे नहीं रखा हुआ। लेकिन अभी ये लड़ाई क्यों नहीं हो रही, एटम बम बना बना कर रखे, अभी लड़ाई क्यों नहीं हो रही है? बोले इसलिए नहीं हो रहे हैं, अगर ये युद्ध होगा ना ये पृथ्वी सब ध्वंस हो जाएगी, ये पृथ्वी नहीं रहेगा। लेकिन कृष्ण गीता में एक प्रतिज्ञा करते हैं, कौनते हो प्रतिजानी न मैं भक्ता परिणति, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं, मेरे भक्तों का विनाश नहीं। अगर एटम बम गिरेगा आप जैसे कुछ भक्त लोग बैठे हो आप भी मर जाओगे, इसलिए कृष्ण सोचते हैं मैंने प्रतिज्ञा किया ना गीता में मेरे भक्तों का विनाश नहीं, मेरे भक्तों का विनाश नहीं, फिर मेरे भक्त मर जाएंगे ना भक्त, इसलिए ये युद्ध लड़ाई नहीं हो रही है। इसलिए जब तक आप लोग हरि कीर्तन करेंगे, जब तक भजन करेंगे ना, ये जो संपूर्ण जो हॉलैंड जिंदा है आप लोगों का वजह से है, आप लोगों का वजह से है। थोड़ी बहुत आप लोग अभी हरि भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, अब की भजन के प्रताप से ही ये पूरा हॉलैंड अभी दुनिया बचा हुआ है। अगर कोई आप भजन नहीं करेंगे ना फिर तो भगवान देखेंगे भैया दुनिया में सृष्टि क्यों किया, भक्ति के लिए दुनिया को सृष्टि किया, अगर भक्ति नहीं करेंगे फिर दुनिया रह कर क्या लाभ है, फिर तो एटम बम गिरेगा, फिर एटम बम गिरेगा। इसलिए अगर कहते थे अगर प्रभुपाद नहीं आते ना थोड़ी बहुत पृथ्वी में जो हरि भक्ति है केवल ये प्रभुपाद की वजह से और किसी कारण नहीं, ये प्रभुपाद की वजह से। इसलिए प्रश्न है भैया अभी तक कोई कोई कथा में कह रहे थे दूसरे जो आचार्य लोग आए बड़े बड़े साधु लोग आए किसने कहा भैया मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, जैसे गौरव चंद्रदास महाराज
बोले मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। श्री लोकनाथ दास गोस्वामी उन्होंने बोले मैं भी शिष्य नहीं बनाऊंगा। ऐसे ऐसे किसने बनाया नहीं, कोई बनाए थे एक एक बनाया, लेकिन प्रभुपाद है ना बड़े दयालु, प्रभुपाद बड़े दयालु है। अगर ये अगर हरिनाम दीक्षा नहीं देते, अगर प्रभुपाद हरिनाम दीक्षा नहीं देते, हम लोग जो अनधिकारी व्यक्ति, हम जो अनधिकारी व्यक्ति थोड़ी बहुत जो कोशिश कर रहे हैं ये भी नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद की एक विशेष चीज है, प्रभुपाद ने किसने बोला छोड़ो ये माया, छोड़ो ये माया, छोड़ो ये माया छोड़ो, लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं छोड़ो नहीं जोड़ो। प्रभुपाद ने क्या बोले, हाँ इसलिए बोले छोड़ो नहीं ये जोड़ो। प्रभुपाद कहते थे ये विश्व ब्रह्मांड किसका है, बोले भगवान का, बनाया किसने भगवान को, लेकिन जो विषय लोग क्या कर रहे हैं उसको सब भोग कर रहे हैं, विषय लोग भोग कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद का जो विचार है नहीं ये विश्व ब्रह्मांड कृष्ण एकमात्र विषय, कृष्ण एकमात्र भोक्ता कृष्ण है, इसलिए हर चीज को क्या करो भगवान की भक्ति में जोड़ दो। जैसे कितना सुंदर हाल बनाया हुआ, इसलिए प्रभुपाद किसी ने बोले आप तो साधु हो, आप पेड़ को नीचे बैठ कर भजन नहीं क्यों करते हो, और इतने सुंदर सुंदर गौड़िया मठ बना दिया आपने, कल्प इल्यूजन माया। इसलिए किसने प्रभुपाद को बोले आप तो साधु हो, हैं आप साधु पेड़ को नीचे बैठकर भजन क्यों नहीं करते हो, आपसे इतना सुंदर सुंदर गौड़ी मठ जो बना, सुंदर सुंदर गौड़ी मठ, बड़ी सुंदर चेयर लगाया हुआ, बड़ी सुंदर चेयर, बड़ी सुंदर कारपेट बिछा कर रखते थे, बोले ये कोई साधु का लक्षण है आप पेड़ नीचे बैठ कर भजन नहीं क्यों करते हो। प्रभुपाद कहते हैं ये सब मेरे लिए नहीं, ये सब तुम लोगों के लिए, अगर मैं ये मंदिर नहीं बनाता, इतना सुंदर चेयर सजाता नहीं, इतना सुंदर कारपेट नहीं बिछाता ना, अगर पेड़ को नीचे बैठाता तो आप लोग कभी पेड़ को नीचे कभी नहीं आते। आप लोगों के लिए इतने सुंदर मैंने बंदर मंदिर बनाया, तभी तो आप लोग यहाँ अगर बैठे हो, तभी तो हरि कीर्तन हरि भजन और हरि कथा सुन रहे हो। अगर पेड़ को नीचे मैं तो बैठ सकता था, लेकिन आप लोग कभी वहां पर नहीं आते। इसलिए प्रभुपाद ने कहा नहीं छोड़ो, कोई चीज को छोड़ना नहीं, क्यों दुनिया भगवान की हर चीज को भक्ति में जोड़ो, कोई चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं। जैसे हमारे क्या प्रेम में दीदी, क्या प्रेम और भक्त लोग कितना पिज्जा पास्ता और सोया कितने कितने सुंदर सुंदर प्रसाद बनाते हो, क्यों बनाते हैं, अगर इतना सुंदर प्रसाद नहीं बना तो कोई आएगा नहीं, कम से कम इसी लोभ से तो आते हैं भैया, बड़े सुंदर सोया है, बड़े सुंदर पिज्जा पास्ता, उसका लेसनिया क्या बोलते उसको और इतना सुंदर बन, चलो बढ़िया बढ़िया प्रसाद, कम से कम इसी बहाना से आते है ना, कम से कम इसी बहाना था। किसने प्रभुपाद को किसने पूछा, बोले भैया तुम कोई घर घर में प्रचार करना है, जो विजय प्रभु सेमिनार दे रहे, बड़े सुंदर विजय प्रभु सेमिनार दे रहे, आप लोग आए जुड़े, किसने बोले भैया प्रचार करने का जरूरत क्या है, जब कमल का फूल खिलेगा भौंरा अपने आप वहां पर आएगा, कमल फूल खिलने पर अपने आप भौंरा अपने आप आकर बैठेगा, अगर तुम लोग भक्ति करोगे तुम्हारी सुगंधी चारी तरफ में जाएगा, जीव अपने आप आएगा, तो फिर बुला बुला कर प्रचार क्यों कर रहे हो। किसने पूछा भैया बुला बुला कर प्रचार क्यों कर रहे हो, देखो क्या उन्होंने उत्तर दिया, बोले भैया फूल तो खिल गया उसका सौरभ भी चारी तरफ में जा रहे हैं, लेकिन कुछ भौरा है ना, नाक को अंदर में रुई लगा कर बैठे हुए, समझ रहे हो, कुछ भौरा कटन रुई, मतलब किसने अपना नाकों को अंदर में वो सुगंधि नहीं घुस जाए अंदर में, इसलिए तुम लोग नाक को अंदर में रुई लगा कर बैठे हो, इसलिए हमने इसलिए आया वो जो, हाँ, नाक को अंदर में जो रुई लगा रुई को निकालने के लिए, इसलिए विजय प्रभु क्या कर रहे हैं, जो रुई जो लगा कर बैठे है ना विजय प्रभु बुला बुलाकर रुई उनको नाक से रुई को निकालते है आपके नाक में वो सुगंधि जाए, और आप भी उसमें आकृष्ट होकर के आए और आकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम, और एक बार जोर से बोल लाउडली बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रेम से बोलो हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। एक बार प्रभु
प्रभुपाद जब जाते थे ना, आप लोग देखते थे बड़े सुंदर कोट पहन करके, बड़े सुंदर, और कहीं से एक एक भाड़ किराए में किसी गाड़ी को किराए में ले लेते थे प्रभुपाद, हैं बड़े सुंदर गाड़ी में बैठ कर प्रभुपाद जाते थे। किसने साधारण लोग में दुनिया में सब जानते साधु कैसे एकदम रिनाम, साधारण कपड़ा पहनेंगे, जटाजुट होगा, शरीर में राख मले हुए होंगे, हैं शरीर में, ये जानते साधारण लोग। किसने बोले ये क्या है, आप इतने सुंदर कोट बोट पहन के कोट और सूट पहन करके और इतने सुंदर कार, उसमें कार बैठना कोई साधारण बात नहीं था, बहुत पैसा वाले लोग कहीं कार में बैठते थे। बोले कार में बैठ करके आप प्रचार करने के लिए जा रहे, ये सब क्या है, साधु लोग तो पेड़ को नीचे बैठते हैं। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले मेरे पास में इतने हरि कथा, इतने हरि कथा, मेरे को कार क्या बात करते हो, अगर मेरे को 10-20 एरोप्लेन अगर दे दिया जाए, 10-20 एरोप्लेन दिया दिया जाए, मेरे पास में इतने हरि कथा है, मैं चाहता हूँ संपूर्ण दुनिया में महाप्रभु का वाणी प्रचार हो, संपूर्ण दुनिया में। जैसे महाराज लोग प्लेन में आते जाते, बोले साधु का कोई काम है, कहते नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कभी प्रभुपाद एग्जीबिशन करते थे, एग्जीबिशन में वो क्या दिखाते थे, कैसे श्री प्रहलाद महाराज कैसे भजन कर रहा है, उसको पिता उठा करके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, आग जल रही है और प्रहलाद को लेकर उसके अंदर में डाल दिया, अब प्रहलाद आग में बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए थे, देखा ही भगवान इतनी इलेक्ट्रिसिटी बेकार हो रहा है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी को बेकार कर रहे हैं। किसने पूछे भैया अगर ये दुनिया का काम में लगता तो कुछ लाभ होता, अब तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी को क्यों बेकार कर रहे हो। प्रभुपाद कहते हैं जगत में जितने इलेक्ट्रिसिटी है, जब उन्होंने सबके सब ऐसे काम में लग जाए, कृष्ण सेवा में लग जाए, समझना जो इलेक्ट्रिक बनाया और इलेक्ट्रिसिटी सबके, तभी सार्थकता, नहीं तो इसकी सार्थकता नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कोई चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भगवान की सेवा में जोड़ दो। केवल प्रभुपाद ये चीज सिखा दिया, इसलिए हमें कोई चीज छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को कृष्ण भजन में जोड़ दो, हर चीज को कृष्ण भजन में जोड़ दो। इतना जो माई की, हम भी तो बढ़िया जगह पर बैठे हुए हैं, चकाचक जगह पर चारों तरफ में कोई ठंडा नहीं, तभी तो आप सब लोग आकर बैठे ना, इसलिए समझो तभी ये सब चीज का सार्थकता। प्रभुपाद ये एक विशेष चीज दुनिया को दिए है, युक्त वैराग्य, ये फल को वैराग्य नहीं, मर्कट वैराग्य नहीं, प्रसव वैराग्य। इसलिए वैराग्य पांच तरह का बताया, पहला वैराग्य मर्कट वैराग्य, मर्कट वैराग्य जानते हो, पहले श्मशान वैराग्य, श्मशान वैराग्य जैसे जब कोई एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जो व्यक्ति क्रेमेटेरियन श्मशान में जाते हैं, जब देखते हैं जला देते हैं, बोले भैया जगत में सचमुच से कुछ है ही नहीं, संसार झूठा है, इतने रुपया पैसा धन दौलत कहाँ सब छोड़ कर सब गया। इसलिए अभी घर में जाकर ना दिन रात हरे कृष्ण भजन करें, लेकिन जब घर में आता है बीबी की जब मीठी मीठी थोड़ी बोली सुनता है, बच्चे का पापा पापा मामा मामा सुन लेता है, धीरे धीरे वैराग्य खत्म हो जाती है। ये कहते श्मशान वैराग्य, दूसरे वैराग्य मर्कट वैराग्य, बंदर को देखना, यहाँ तो बंदर है नहीं, वृंदावन में बंदर है, वहाँ पर कोई घर नहीं बनाया, खाता है जो मिल जाता है, कपड़ा भी नहीं पहना, फल खाता है, लेकिन बड़ा काम ही है। कहते इसलिए मर्कट वैराग्य नहीं, फल का वैराग्य। एक नदी होता है, ऊपर में तो रेती, लेकिन थोड़ी सी रेती हटाओ ना, नीचे देखना पानी बह रहे, ऊपर से तो वैराग्य लेकिन अंदर में भोग है। इसलिए चतुर्थ वैराग्य कहते हैं प्रसव वैराग्य। प्रसव वैराग्य मतलब माताएं जो बच्चे को जन्म देती हैं, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट प्रसव वैराग्य, बोले और बच्चा जन्म नहीं देंगे, नहीं दुख है, लेकिन जब बच्चे का मुंह देखते हैं सब धीरे धीरे सब भूल जाते हैं, फिर संसार है, इसलिए प्रसव वैराग्य। इसलिए ये जितने वैराग्य सब गड़बड़ी है, लेकिन प्रभुपाद ने एक सिखा दिया युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब क्या, ये शरीर निर्वाह के लिए जितना जरूरत है उतना ग्रहण करो, यथा योग्य भोग नहीं तथा रोग। अगर ज्यादा ग्रहण करोगे भोगी बनोगे, कम ग्रहण करोगे रोगी बनोगे। इसलिए क्या करो, शरीर निर्वाह के लिए जितना खाने का जरूरत, जितने पहनने का जरूरत, उसको ग्रहण करो। ग्रहण करते हुए क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए प्रभुपाद ने ये चीज उन्होंने जगत में सिखा दिया, इसलिए तभी ये विश्व में संपूर्ण महाप्रभु का वाणी प्रचार हो रहे हैं। इसलिए आज उनकी तिरुभाव तिथि है, हम सबके सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं,
उनके प्रणाम करते हैं हम लोग, उनका क्या लगता है हमारे गुरु जी की, वो गुरु जी जैसे महाराज हमारे गुरु जी की वो गुरु जी, इसलिए हम नाती लगते हैं ना महाराज, हम नाती लगते हैं। देखना पिताजी अपना बेटे में जितने प्यार करता है उसका बेटे को बेटा प्रति और ज्यादा प्यार है, उसके बेटा के बेटा प्रति और ज्यादा प्यार है, लेकिन अगर उसकी बेटा का बेटा प्रति और, आप लोग जितने होंगे ना सब प्रभुपाद का क्या लगेंगे महाराज जी, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। इसलिए आप लोग प्रभुपाद के बेटे के बेटे के आप लोग बेटे हो, एंड बेटी भी, हाँ सिर्फ बेटा नहीं बेटी भी, बेटी भी है, इसलिए समझो प्रभुपाद की ज्यादा ही प्यारा है, आप लोग प्रभुपाद की ज्यादा प्यारा है, इसलिए आज प्रभुपाद के चरण में हम सब प्रणाम करते हैं। हे प्रभुपाद जी आप जगत में जो कुछ शिक्षा दिए हो, आप आए तभी हम थोड़ी बहुत भजन के लिए कोशिश कर रहे हैं, अब हम सबको ऊपर में कृपा करो सारा जीवन, जैसे एक चीज को याद रखो मेरे गुरुदेव कहते थे किसी तरह से एक जीवन को अभी जिस रूप में हो, अब जैसे रोज तिलक लगाते हो गले में कंठी है, माला जप करते हो, सवेरे मंगला आरती करते हो, मेरे गुरुदेव कहते थे अगर किसी तरह से एक जीवन ऐसे ही बिता, इसी तरह से भले ही जितने जीवन में लांछना गंजना जो कुछ आए, लेकिन गुरु वैष्णव को छोड़ना नहीं, कभी कभी गुरु वैष्णव को कभी नहीं छोड़ना, एक जीवन इतना केवल कर दो, समझना हमारी अच्छा संस्कार बनेगा, फिर अगले जीवन में फिर उन्होंने हमें अच्छे वैष्णव संघ में ले गए, फिर भजन करते करते हम प्रभु के पास में जा सकते हैं। अगर अगर हम वैष्णव गांगरा संगत छोड़ देंगे ना फिर तो गया सबके साथ, इसलिए जो कुछ हो जाए आप लोग जैसे कंटिन्यू आते हो, कथा सुनते हो, हरि नाम करते हो, ये कभी ये चीज को कभी मत छोड़ा करो, ठीक है ना, एक बार बोलो, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, बोले सपरिकर गौर हरि की जय, बोले श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की जय, प्रभुपाद के भक्त वृंद की जय, भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति महाराज की जय, भक्ति वेदांत बन महाराज की जय, माधव महाराज की जय, तीर्थ महाराज की जय, विजय महाराज की और आए हुए सारे भक्त वृंद की जय, बोलना चाह रहे देखो I'm leaving tomorrow morning. मैं सुबह बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग चला जाऊंगा 3 बजे। अब कल से महाराज जी आप सबको प्रभुपाद जी की सुंदर सुंदर बड़ी अच्छी रस से भरी कथा सुनाएंगे। प्रभुपाद जी की भाषा और उपदेश बड़ा कठोर है, लेकिन महाराज जी का कौशल है कि उसको बड़ा मीठा करके आपको सुनाएंगे जिससे कि आप धारण कर सकें। इसलिए I'm leaving tomorrow. I don't know when we're going to see again. For that period, tot sin. And okay, okay, okay. Tot sin matlab hamara kya? Fir milenge. Fir milenge. Fir milenge. Mara is also started learning now. Acha. So my only request, advice, everything, whatever you say, affection. Never forget Gurudev and Krishna. Always try to chant very sincerely. Whatever lectures you are hearing from Pujya Padvan Maharaj, from Sridhar Maharaj, anyone, try to remember this again, again and again, because we need to revive this. As we need to take shower every day to take care of our consciousness, purity. In the same way, Hari Katha is shower. We need to revive this every day, otherwise we start feel loose. We're losing the taste. Never try to lose the taste. If the taste is loose once, can never be developed again. So try to develop this taste more and more and more. Therefore, everyone, every day, I'm going to say something. You all have to complete my statement. Chant, chant, chant. Chant the holy name now. Life, 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 life will be saved. Sarv, 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 sarv your Gurudev. Maya will be away. Maya, 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 Maya will be away. Sarv, 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 sarv Prabhupada.
छोड़ दो जगत के जंजाल गौर प्रेमानंदे पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की जय पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज की जय श्री गुरुदेव की जय समागत भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल सो वी विल फिनिश आवर प्रोग्राम विद गुरु पूजा we have flowers there so we can offer that to Bhakti Siddhanta